माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कमर्शियल फोर व्हीलर्स जिसमें बसें भी शामिल हैं सिर्फ बाई लेन में ही चलेंगे। कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर दिन रात मेहनत करते हैं पर फिर भी आलोचना झेलते हैं। ड्राइवर भाइयों, ट्रैफिक नियमों का पालन करो ताकि आपकी आलोचना खत्म हो और पुलिस को आपके खिलाफ कार्यवाही न करनी पड़े। जैसे कि 10 जुलाई से अब तक 80,000 से ज्यादा चालान हुए। आकाशवाणी दा लुधियाना केंद्र है दोस्तों, घड़ी ते इस वेले 6:31 ते 5 सेकंड हो रहे ने ते हुन समा हो गया है एक खास प्रोग्राम दा जिस बारे चर्चा करन लई साडे स्टूडियो विच साडे नाल मेहमान जेडे ने मौजूद ने हन श्री मनजीत सिंह ते इना नाल गलबात कीती साडे साथी सोवीना ने। आओ फिर सुनदे हां प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया। अज के प्रोग्राम च असीं गल करांगे प्रधानमंत्री हुरां द्वारा शुरू किए स्टार्टअप इंडिया के उपरालों बारे। इस विषय से जानकारी देने लई साडे स्टूडियो च आए ने सरदार मनजीत सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जॉइंट डायरेक्टर ने। स्वागत है सर थोड़ा इस प्रोग्राम च। शोभना जी, बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी, थैंक यू वेरी मच जी। स्टार्टअप इंडिया सर सानू दसो की है की? देखो शोभना जी, स्टार्टअप इंडिया नू अगर तुसी कहो, स्टार्टअप इंडिया का मतलब है कम एंड डू इट या गो एंड डू इट, आओ करो या जाओ करो। मतलब एक आसान वे देना उन्हें काम करने का, एक प्लेटफॉर्म दे देना, एक प्लेटफॉर्म दे देना और हर एक काम करने देना आसानी दे नाल करना। कहंदे ने स्टार्टअप इज स्टार्टअप, इज नॉट अ बिजनेस। राइट, दो असि स्टार्टअप दे थ्रू बिजनेस करांगे, लेकिन ए बिजनेस नहीं है। बिजनेस दे विच लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कुड बी देयर, लेकिन स्टार्टअप दे विच एनिया कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तुसी अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकदे हो, इनिशिएट करन वास्ते तुसी एक अपना कारोबार शुरू कर सकदे हो आसानी दे नाल। तो ए एक स्टार्टअप दा मेन मंतव है कि असि काम भी शुरू करिए लेकिन आसानी दे नाल, और सानू कोई कॉम्प्लिकेशन जिहड़ियां हैगियां अपना नवा कारोबार शुरू करन दे विच कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना। कॉम्प्लिकेशंस दी तुसी गल की सर जी, किस तरह दियां कॉम्प्लिकेशंस? मैं थोनू इहदे पहले की फीचर्स दस दवां जी स्टार्टअप इंडिया दे। हां जी, की फीचर्स दे विच देखो, मैं थोनू पहला तां दसां वी इहदे विच सिंगल विंडो क्लीयरेंस होएगी। इस स्टार्टअप इंडिया दा एक है, एक की फीचर है जी, वे थोनू ज्यादा जगह जगह भटकना नहीं पएगा। इहनू असीं लेटर स्टेज दे उत्ते मैं थोनू हुण दस भी दऊंगा वी किहड़ियां किहड़ियां कॉम्प्लिकेशंस सानू आउंदियां हैगियां जदों असीं कोई अपना नवा कारोबार शुरू करदे हां। और मैं इस चीज़ नू फिर बिजनेस नाम नहीं दे रहा, स्टार्टअप इंडिया आसानी दे नाल कारोबार करना, ठीक है जी। दूसरा हैगा एक इहदे विच की फैक्टर है, फैक्टर है कि असीं फंड्स ऑफ फंड जनरेट करांगे अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए दा, और वो इहनू लॉन्च करन वास्ते किसी भी नवे एंटरप्रेनर नू उहदे विचों असीं लोन भी दे सकदे हां। और जेड़ा फंड उहदे विच इकट्ठा होएगा, जिस जेड़ा एंटरप्रेनर अपने प्रॉफिट दे विचों उस फंड देगा उहनू इनकम टैक्स तो छूट भी होएगी। फिर 80% रिडक्शन होएगी। कई बार इदां हुंदा जेड़ा असीं पेटेंट, जिस काम दा असीं कारोबार शुरू करना, जिहड़ी चीज़ नूं असीं बनाना शुरू करना है, पहलां सानूं उसदा पेटेंट करवाउणा पएगा वी हाँ जी आह मेरी चीज़ है जी। उहदे विच 80% तक उहदी कॉस्ट रिडक्शन आ जाएगी, फी रिडक्शन आ जाएगी, ठीक है जी जी। उस तों बाद है कि सैल्फ सर्टिफिकेशन होएगी, असी अपने आप ही उन्हों सर्टिफाई कर पावांगे, साढ़े उत्ते किसी का रोल नहीं होएगा। जिदा कोई लेबर की इंस्पैक्शन आ गई या किसी होर डिपार्टमेंट की इंस्पैक्शन आ गई हैगी है, असी सैल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद एक होर भी है कि एक असी कहने इंटलैक्चुअल IPR उन्हों असी कहने, उन्हों की प्रोटैक्शन भी होएगी जी। जो जो असी काम करते हैं ये साढ़े हित दे विच हैगा जी। तो ये कुछ एक की फीचर्स ने, इसनू मैं इलैबोरेट करूंगा इसे प्रोग्राम दे, इसनू मैं इलैबोरेट कर दूंगा। हाँ जी, ये की फीचर्स ने इस दे स्टार्टअप दे। हाँ जी, ते सर जी गवर्नमेंट दा की रोल है इस च? हाँ जी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस डिवेलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्हां ने आपस दे विच एक सहमति की है कि स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्टर स्कीम दे तहत ये कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, मैं उन्होंने नाम दसदा, ये 75 इदां दे स्टार्टअप हब क्रिएट करनगे जिथों के हर एक नू हेल्प मिलेगी, हर एक नू इनफॉर्मेशन मिलेगी। वो कित्थे कित्थे एस्टैबलिश करनगे? एक तो नैशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जिन्हां नू असीं NIT कहने हैं, उत्थे एस्टैबलिश होणगे। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्हां नू असीं IIITs कहने ने, उत्थे होएगा। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जिन्हां नू असीं IISERs कहने ने। फिर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एदे विच एक नैशनल हब
स्टार्टअप दे क्रिएट किए जाएंगे अराउंड 75 दे करीब, जिथों के आम पब्लिक नू उस दे बारे हेल्प मिलेगी और सारी दी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक गवर्नमेंट का होर भी एक रोल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी डिक्लेयर किया है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भाई ये बिजनेस नू बिजनेस नहीं है जिदा मैं पहला दस्या भाई अपना कारोबार होर आसानी नाल करन वास्ते वो उदी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हेल्प करेगा, मतलब लोन फैसिलिटी जड़ी हैगी है वो आसान कर देंगे। सो इस तरह बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा जी, फायदेमंद। हाँ जी हाँ जी, मैं तुहानू दसा जी इस दे नाल ही है जिदा हुण स्टार्टअप असीं कहने कोई भी कारोबार शुरू करना उहनू असीं कहने आ स्टार्टअप जी। और एक इहदा होर भी की फीचर है मैं वो जान के थोनू पहला नहीं दस्या सी। अच्छा, की फीचर है कि इहनू असीं क्लोज डाउन भी कर सकते हैं बड़े आसानी दे नाल। ओके, जदों कोई पहला उहदे विच काफी कॉम्प्लिकेशन आउंदियां सी भी अगर तुसीं लीज ते लईओ आ कुछ ते सानू डिक्लेयर करना पएगा जिन्नी देर तक 3 साल की लीज है ते सानू 3 साल रहना पएगा, लेकिन इहदे विच उहनू असीं ईजी क्लोज डाउन ईजी एग्जिट कहने असीं। ते स्टार्टअप अगर शुरू करदे आ कारोबार उहदे विच बाहर आना होवे देयर इज ईजी एग्जिट, उस दे नाल ही जुड़िया है। तुसीं गीत बारे सोविना जी पुछिया मैनू ब्रेक up ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਅਪ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਦਫੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਓਨਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों, जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। गीत तो बाद ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ
क्योंकि हाले एक एक ए उपराला है स्टार्टअप जड़ा स्टार्टअप इंडिया एक उपराला है जी। अगर असी बिजनेस शुरू करना होवे चाहे असी स्मॉल स्केल दे करना होवे चाहे असी लार्ज स्केल दे करना होवे ते कई डिपार्टमेंट्स ने जिहड़ियां किस दे नाल जुड़ियां हन जिदा पहला तो साढ़े इतने एक लुधियाने दे विच भी है MSME उसनूं कहने आ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वो डिपार्टमेंट है फिर साडा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो डिपार्टमेंट है फिर पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी एक डिपार्टमेंट है जिहड़ा कि इस दे नाल जुड़िया है। अगर असी कोई भी काम शुरू करना हुंदा सीगा ते सब तो पहला तो सानू रजिस्ट्रेशन करवानी पैंदी है उस तो बाद फिर सानू सर्टिफिकेट लेने पैंदे आ कुछ लैंड दा सर्टिफिकेट लेना पैंदा काफी लंबा प्रोसेस है फाइनेंस दे सर्टिफिकेट लेना पएगा सेल टैक्स नंबर वास्ते अप्लाई करना पएगा अगर जिहड़ी मैं चीज प्रोड्यूस कर रहा है ओहदा मैनू फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे कोल भी जाना पएगा फिर ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ PSEB ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੈਸਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਲੇਬਰ ਲਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਉਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਓਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 80% ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IPR ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ IPRs ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੇਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ IPR ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਫੋਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਪੇ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡਸ ਆਫ ਫੰਡਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ
उस फंड दे विच लोन देने वास्ते किसी नवी कारोबारी नूं देंदा, जिन्ना फंड ओह देगा उन्हूं ओहदे ते इनकम टैक्स ते रिबेट मिल जाएगी। ठीक, तो यह काफ़ी अच्छे चीज़ा हैं और एदा जिदा मैं दसता तुहानूं 10,000 crore तक के फंड ऑफ फंड जिहड़ा हैगा वो जनरेट होएगा, ये मैनेज होएगा प्राइवेट प्रोफेशनल्स दे थ्रू जी। गल यही चल रही थी कि पहला नालों हुण की बदलेगा, सो जो इन्ना आसान सारा कुछ हो जाएगा तो मैनूं लगदा है स्ट्रेस फ्री झूमके।